थिएटर है और क्या मस्त साइकिल स्टैंड बनाया हुआ है इस तरफ। पीछे एक बहुत ही प्यारा कपकेक यू से लिखा दिख रहा है, कपकेक हाउस। और सूरज एकदम मस्त चमक रहा है अभी, और टाइम आपको दिखाऊंगा तो यकीन नहीं करेंगे। टाइम अभी हो रखा है 7:15, और सूरज देखो एक बार आप क्या बढ़िया चमक रहा है। इस तरफ ये एक छोटा सा बीच में कुछ बनाया हुआ है एक्टिविटी करने का, रस्सियाँ लगाई हुई हैं। और ये पूरा जो फ्लोर है ये मतलब कैसे बताऊँ आपको मैं, प्लास्टिक से बनाया हुआ है, रबर से बनाया हुआ है। बीड्स आपको दिख रहे होंगे, इस पर अगर आप गिर भी जाएंगे तो भी चोट लगेगी नहीं। और ये रस्सी का पूरा पैटर्न सा बनाया हुआ है, ये भी सेम उसी की है, कंक्रीट नहीं है, रबर है। बस इन्हीं सब गलियों में कुछ आपके ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, कुछ सिनेमा हॉल्स हैं, और कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ कैफ़े हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, इन्हीं सब गलियों में है। धूप है, छांव है, ज़्यादा मैं फिल्मी डायलॉग्स मार रहा हूँ लेकिन सही है, काफ़ी प्यारा टाउन लगा मेरे को। दुकानें हालांकि जल्दी बंद हो जाती है क्योंकि यहाँ पर अभी चल रहा है समर फेरी, मतलब समर वेकेशन, जो कि मैंडेटरी होता है, आपको पता होगा यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट पे करती है, या आपकी जो भी जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो पे करता है, आपको 3 हफ्ते की छुट्टी मिलती है आपको। और समर में मौसम अच्छा होता है, सब लोग निकल जाते हैं। थिएटर के अंदर आया था वॉशरूम यूज़ करने, तो ये रखा दिखा, सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ। जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, ये जो फिल्म आती थी ना जिससे मतलब शूट होता था पहले, रील इसमें डलती थी, और प्रोजेक्शन यहाँ से होता था इस छोटे से डॉट से बड़े पर्दे पे। और जब मैं आपको बताया था कि जब भी आप कभी टाउन में से स्ट्रीट्स में घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो अगर आप गूगल करेंगे किसी भी जगह को, जैसे मान लो सपोज आपको दिल्ली में घूमना है, सो प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली आप डालेंगे, तो उनमें शायद वो चीज़ें ना आ पाएँ जो आप खुद से गलियों में घूम के एक्सप्लोर करेंगे। तो वही एक चीज़ है, आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो कितनी ज़बरदस्त ग्रफिटी कर रखी है, पूरी पीछे तक है, इस दीवार से यहाँ से लेके, ये देखो यहाँ से ये पूरी, कितनी ज़बरदस्त मतलब बनाई हुई है यार, कितनी डिटेलिंग है इसमें। देखो आप पास से ऊपर देखो, तो ये सब चीज़ें यार जब आप किसी भी यूरोप की कंट्री को विज़िट करते हैं, अपना आराम से पैदल घूमते रहो, चीज़ों का एक्सप्लोर करो, कोई कैफ़े अच्छा लगे उसमें बैठ के खा लो, रेस्टोरेंट अच्छा लगे वहाँ बैठ के खा सकते हो आप, कोई अगर अच्छी जगह बनाई हुई है पब्लिक प्लेस बैठने के लिए वहाँ बैठो, धूप सेको, व्यू देखो, ये सब चीज़ें हैं यूरोप में करने की, यही एक वाइब है। ये देखो यार ये मिनी गोल्फ बनाया हुआ है, ये जो गेम खेलते थे ना अपन मोबाइल में, ये ऐसे यहाँ पे ये एक होल इसमें ऐसे एक वो बनाया हुआ है। सो ये सब चीज़ें हमने जब गूगल किया जब उस पर नहीं दिखा रहा था, लेकिन मेरे को पता है जितना आप घूमोगे एक्सप्लोर करोगे चीज़ें आपको दिखेंगी, आप फिर कर सकते हैं, और बल्कि खुद आप वो चीज़ें फिर गूगल पे डाल सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ भी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होल्स बने हुए हैं इसमें, या इसमें लिखा हुआ है ओपनथ मतलब खुला है सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक। और यहाँ पर स्कैंडिक होटल है एक राउंड अबाउट से थोड़ा 100 मीटर दूर, उसमें आप वहाँ से गोल्फ सेट ले सकते हैं। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो फ्री में देंगे नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या, अगर क्या आप तो फ्री में दे दें, अगर नहीं मिलेगा पैसे दे के मिलेगा तो यहाँ पर एक और मिनी गोल्फ करके पूरा बड़ा बनाया हुआ है, एक मतलब नाम मिनी गोल्फ है लेकिन पूरा उसका सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ से 70 मिनट्स की ड्राइव है, तो सुबह हम वहाँ पर जाएंगे कल, क्योंकि अभी वो 8 बजे तक खुला रहता है, और अभी क्या टाइम हो गया, अभी 8 बज ही गए हैं एक्चुअल में, 8 बज ही गए हैं अभी एक्चुअल में। सो कोई जाने का फ़ायदा होगा नहीं, तो सुबह जाएंगे ताकि पूरा पैसा वसूल के आ सकें। और अभी स्कैंडिक में आके पूछा हमने, सो यहाँ पर बताया इन्होंने कि जो है वो फ्री तो नहीं है, खैर 100 क्रोन का है सेट, और खेल सकते हो आप आराम से 10 बजे तक, 3-2 घंटे थे हमारे पास, लेकिन मेरे को लगा नहीं, मैंने से खुद ही पूछ लिया कि वी आर प्लानिंग टू विजिट द मिनी गोल्फ पार्क टुमारो। सो जो आप बताया मैंने आपको वो वाला, तो उसने बताया कि वो यूरोप का वन ऑफ द बिगेस्ट और फेमस मिनी गोल्फ पार्क है, लाइक ये इसका बच्चा लगा लो, बच्चा भी नहीं इसका मतलब चूज़ा लगा लो और वो पूरा मुर्गा है। सो बोला वो जाने में फ़ायदा, और यहाँ 100 करोन का है, वहाँ 150 करोन का है, बोला कि बहुत चीप है वैसे वो, मैं रिकमेंड वही करूँगा कि आप वहाँ चले जाओ। तो काफ़ी ऑनेस्टी दिखाई बंदे ने, मैंने खुद ही पूछ लिया
नहीं तो बंदा अपना सेल करने के लिए बोलता है नहीं नहीं वो ख़राब है आप यहाँ कर लो, ऐसा नहीं बोला उसने, बोला कि आप वहीं पे कर लेना प्रैक्टिस, अगर आपको करनी है तो यहाँ कर लो। मैं चले यार कोई नहीं प्रैक्टिस भी फिर वहीं करेंगे। और 200 करोन देखे वहाँ पे 90 या 100 होल्स हैं, 100 ऐसे, यहाँ 10 है वहाँ पे, 100 होल्स हैं, आप वो सारे के सारे कर सकते हो 200 करोन देखे पूरे दिन के अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ वहीं पर जाने का फ़ायदा है, यहाँ पर इतना सही नहीं रहेगा, हालाँकि धूप है अभी तो मज़े आते हैं यहाँ पर भी यार। गलियों में चलते जाओ और नज़ारे देखते जाओ। एक और ग्रफिटी दिखी है हॉगेसन, ये जहाँ मैं आ रखा हूँ उस जगह का नाम है HAUGESUND, हॉगेसन बोलते हैं, डी साइलेंट है। और ये अंकल स्क्रूज, स्क्रूज था, स्क्रूज क्या था, स्क्रू है, स्क्रूज आखिरी में जी भी है, अंकल स्क्रूज पता नहीं, शायद अंकल स्क्रूज था कि अंकल स्क्रू था क्या था पता नहीं एग्जैक्टली मेरे को, लेकिन यही था जो आपको नीचे से मैंने पुल दिखाया था उसके ऊपर चढ़ रहे हैं और वहाँ से दिखाएंगे नज़ारा कैसा होगा। अगर कोई कूदने की कोशिश करता है तो, और अगर वो कूदता है तो यहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, हालांकि लिखा नॉर्वेजियन में हुआ है, ऑल क्लैथरिंग हॉपिंग स्टूपिंग ऑल थ्रा कुछ करके ऐसे, इतना भी पढ़ना आया नहीं है कि यहाँ से कूदने पे और कुछ भी करने पे, चढ़ने पे भी इसके ऊपर अगर कोई बैठ के फ़ोटो खिंचाने की कोशिश करता है तो बहुत तगड़ा फाइन पड़ेगा। सो करना है तो फिर अपने जेब में पैसे रख के करना। ये जो रिवर से आ रही थी ये बीच में इस पार्ट ऑफ लैंड से डिवाइड हो गई थी पीछे से, और उसके उस तरफ भी पानी है, आपको दिख रहा होगा वो ऑरेंज कलर का जो शिप खड़ा हुआ है ये वाला, और इस तरफ भी पानी है, बीच में ये लैंड ऐसे यहाँ से डिवाइड हो गए पूरा इस तरफ तक, इस तरफ से वहाँ तक है। ये पुल 1939 में बना था, यानी 60, 70, 80, 82 ईयर्स हो चुके हैं। देख के मेरे को लग नहीं रहा था, मैं बोला कि रिसेंटली बनाया होगा, लेकिन इसके बीच में जो सेंटर पे लिखा हुआ है जहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ से कूदना उदना बना है 1939, यार हालत देख के तो नहीं लग रहा इसकी। जब विंटर में मैंने घुमाया था आप लोगों को तो उस टाइम दिन नहीं हो रहा था, सिर्फ रात ही रात थी। अब समर में आपको दिखाऊंगा मैं कि रात नहीं होगी, सिर्फ दिन ही दिन होगा। आप धूप देख पा रहे हैं मेरे मुँह पे कितनी आ रही है। सो अभी खाने वाला मस्त खा लिया, डिनर कर लिया, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि शूट कर नहीं पाया और जैकेट बाहर निकल गई है। तो इसी तरीके का यहाँ समर होता है पूरे यूरोप में, नाम नाम का समर है, सुबह और शाम को जाती है ठंड। अभी जो फ़िलहाल टेम्परेचर है वह 11 डिग्री का, और बोला भी नहीं जा रहा इतनी ठंड नहीं है, खैर अभी जो टेम्परेचर है वह 11 डिग्री का और पानी के जस्ट साथ में, इसलिए थोड़ी ठंड ज़्यादा लग रही है। और पीछे मेरे सूरज आपको दिख रहा होगा छुप गया है, ढल गया है, गैस करो टाइम क्या हुआ होगा, चलो देता हूँ आपको 2-3 सेकंड, गैस करो गैस करो। चलो मैं ये बता देता हूँ, टाइम हो गया एग्जैक्ट 10 बज गए, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा तो दिखा देता हूँ, 10 बज के 2-3 मिनट हो चुके हैं और अब जाके सूरज ढला है। तो मैंने बताया था जैसे आपको सर्दियों में सूरज दिखता नहीं है और गर्मियों में सूरज जाता नहीं है, तो अब सुबह हो जाएगा 4-4:30 बजे सुबह निकल जाएगा सूरज, तो हार्डली 6 घंटे की जो रात मिलेगी आपको, और रात भी नहीं है अभी, इसको ढलते ढलते बिल्कुल अंधेरा होते होते 1 घंटा और लग जाएगा, तो वही 4-5 घंटे का अंधेरा लगभग रहेगा। और फिलहाल वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे क्योंकि आज हमारे पास कोई होटल नहीं है, आज हमको कैंप करना है अपनी कार में, सो वो भी आपको अलग से दिखाऊंगा वीडियो में। तो अभी तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय नमस्कार। वीडियो और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, भीख मांग रहा हूँ बार बार, कर देना।